चीन में एक बार फिर कोरोना कहर बरपा रहा है और ये अब तक के घातक दौर में पहुंच गया है। देश से जीरो कोविड पॉलिसी हटते ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स आने वाले समय में चीन में कोरोना से लगभग 20 लाख लोगों की मौत होने की आशंका जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले 90 दिनों में चीन की लगभग 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच सवाल बना हुआ है कि चीन कोरोना की ऐसी विस्फोटक स्थिति तक कैसे पहुंचा और आखिर चूक कहां हुई, देखिए ये खास रिपोर्ट। दम हमेशा फूट कर निकलता है और अक्सर अपना ही नुकसान करता है। चीन के साथ फिलहाल यही हो रहा है। जिस तरह भारत में कोरोना की दूसरी वेव ने कोहराम मचा दिया था, उससे भी भयावह हालात इन दिनों चीन में हैं। फर्श पर लेटे मरीज, बेहोश होते डॉक्टर, चीन में कोरोना का ऐसा तांडव जो दिल दहला देगा। हमने तो उस त्रासदायक दूसरी वेव से छुटकारा पा लिया, व्यवस्थाओं को सुधार कर, वैक्सीन इजाद कर और उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाकर। हालांकि जितना नुकसान फौरी तौर पर होना था हुआ, लेकिन अब हम सुखी हैं। लोग बेखौफ यहां वहां घूम रहे हैं और कोरोना का भी वह जोर नहीं रहा, क्योंकि एंटीबॉडी पूरे देश में डेवलप हो चुकी है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी रहा है तो वह आसानी से ठीक भी हो रहा है। लेकिन चीन की दम्भी, कुटिल और निष्ठुर सरकार ने लोगों को कभी आजादी नहीं दी। व्यवस्था सुधार कर, माकूल इंतजाम कर, खुला घूमने नहीं दिया, इसलिए एंटीबॉडी डेवलप होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में मौतों का अंबार लग गया है। लोग आपस जाते हुए मर रहे हैं, वे बाजार में खरीदी करते हुए मौत के मुंह में समा रहे हैं। हाल ये है कि बीजिंग के हर शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए 2000 से ज्यादा की कतारें हैं। हफ्ते, महीने या रोज नहीं, बल्कि हर घंटे कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। यह वही चीन है जिसने दुनिया भर को कोरोना का दर्द दिया था। हैरत इस बात की है कि वहां की निष्ठुर, निरकुंस सरकार का रवैया यह है कि जो मर रहे हैं उन्हें मरने दो, जो कोरोना के दर्द से कराह रहे हैं उन्हें कराहने दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बीमारी होगी तो जल्द कोरोना पीक पर आएगा और यह बीमारी का इलाज है। जिस चीन की सैन्य सरकार दुनिया भर में कोरोना फैलाकर भी चैन की नींद सो सकती है, उससे अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की कोई उम्मीद करना भी बेमानी होगी। वैसे तो चीन की सरकार मीडिया पर भी अंकुश रखती है और कोई खबर बाहर नहीं आने देती, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 90 दिन में चीन की 60% आबादी संक्रमित हो जाएगी। मरने वालों की संख्या भी 10 लाख से ऊपर पहुंचने वाली है, लेकिन चीन की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उसकी सोच यह है कि जल्द संक्रमण, जल्द मौतें, जल्द पीक और बीमारी से जल्द निजात। इस नरकीय विचार का कोई समर्थन नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। चीन सरकार ने अब छूट दी है, इसलिए है कि जिन्हें मरना है मरे, संक्रमित होना है हो जाएं, अब बंदिशों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ देश में सरकार के प्रति बढ़ रहे विरोध को डाइवर्ट करने के लिए वहां की सेना भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर रही है, युद्ध का माहौल बना रही है। दुनिया के देशों को आगे आकर इस निष्ठुरता, इस निरंकुशता के खिलाफ लड़ना चाहिए। जो अमेरिका रूस के खिलाफ सारे पैंतरे खोले बैठा है, उसे चीन के खिलाफ भी कुछ करना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।